फिल्म की कहानी के मुताबिक साल 2019 की फरवरी में भारतीय सुरक्षा बलों पर पाकिस्तानी मुजाहिदीनों का हमला होता है। जवाबी कार्रवाई की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को दी जाती है। फिल्म का नायक विंग कमांडर अर्जुन देव उर्फ रुद्रा एक ट्रेन पायलट है जो नए विमानों को टेस्ट भी करता है। दरअसल वह एक ऐसे फाइटर विमान पर काम करना चाहता है जो कि दुश्मन देश के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। पिछले दिनों टेस्ट फ्लाइट के दौरान गड़बड़ हो जाने से फिलहाल उससे हवा में उड़ने का हक छीन लिया गया है और उसे ग्राउंड ड्यूटी में लगा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के इस मिशन के दौरान उसके कमांडर रुद्रा को बड़ी चुनौती देते हैं। रुद्रा की साथी रडार ऑफिसर आहना गिल उसे पसंद करती है। वह रुद्रा के खतरनाक मिशन पर जाते वक्त उसे लेकर काफी चिंतित रहती है, लेकिन रुद्रा के आगे उसकी एक नहीं चलती। आगे की कहानी जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म के डायरेक्टर शक्ति प्रताप सिंह ने भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की कहानी पर एक अच्छी फिल्म बनाई है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे महज 2.25 घंटे से भी कम समय में समेट दिया गया है। इसके चलते ये दर्शकों पर ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। इंटरवल से पहले फिल्म एयर स्ट्राइक की दास्तान पर्दे पर दिखाती है, उसके बाद सेकंड हाफ में एयर स्ट्राइक के बाद की चुनौतियों को दिखाया गया है। फिल्म का क्लाइमेक्स भी जबरदस्त बन पड़ा है। बात फिल्म के कलाकारों की करें तो तेलुगु एक्टर वरुण तेज लीड रोल में जमे हैं। वहीं बाकी कलाकारों समेत मानुषी छिल्लर ने भी ठीक ठाक काम किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। VFX का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर डायरेक्टर की तारीफ करनी होगी। उन्होंने इस वॉर बेस्ड फिल्म में लव रोमांस के सीन को प्रतीकात्मक रूप से ही दिखाया है। इस तरह ये फिल्म अनावश्यक रूप से खींची हुई नहीं लगती और अपने टॉपिक से भी नहीं भटकती। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।